What you will do if you will get a chance to go back 12 years in your past? Do you want to change something? Or want to relive your old life? Tokyo Revengers ask us the same question each and every time. So hello guys, this is AD and you're watching Hindi Otaku. Tokyo Revengers, ye title na pura proper anime pe barabari se baithta nahi hai according to me. At first I thought this is again some kind of isekai, but nope. With time and few more episodes, this anime completely changed my thoughts. नहीं मतलब आसान शब्दों में ये कहना चाह रहा हूँ कि पहला ही एपिसोड देखकर इसे ड्रॉप मत कर देना जैसे मैंने सुपर कप को किया. Well, that's another story. So, this entire story revolves around a time travel with 0% logic and gang bang. अबे 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 वो दूसरा वाला बे जहाँ लड़के लड़के को पेलते हैं. अब आई मीन लड़ाई. हाँ हाँ गैंग वॉर. हाँ ये वर्ड ना बेसी मुश्किलें पैदा कर देता कभी कभी. So this entire story is based on time travel, gang war and investigation. जहाँ एपिसोड बाई एपिसोड ये एनिमे और भी इंटरेस्टिंग होता चले जाता है. एवरी एंडिंग इज जस्ट क्लिफ हैंगर. ये एनिमे गैंग्स के साथ साथ फ्रेंडशिप्स की वैल्यू भी हमें समय समय पर याद दिलाते रहता है. एंड दिस एनिमेज एक्शन वॉज जस्ट अमेजिंग. वेल इसको देख कर गैंग बनाने मत चले जाना बे. गंदी बात. पूरे एनिमे में मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर था यस ऑब्वियसली इट्स माइकी एंड देन ड्रैकन. माइकी का एटीट्यूड तो भैया चरम सीमा पर था एकदम. आई जस्ट लव दिस गाय अलॉन्ग विथ अपने एनिमे का ड्वेन जॉनसन विच इज ड्रैकन. इस एनिमे में कॉमेडी मोमेंट्स चलते चलते अचानक कब इमोशनल मोमेंट में बदल जाते हैं समझ ही नहीं आता है. स्टिल मैनी कैरेक्टर्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्यूचर एपिसोड्स जहाँ हमें शायद माइकी से भी कोई बैडेस कैरेक्टर देखने को मिले. ताके मिची हु इज मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस सीरीज इज करेंटली हायर्ड एज ओनली अ पंचिंग बैग. मतलब जो आ रहा है वो पेल रहा है इसको. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस अमेजिंग एनिमे. तो यार अगर तुमने अभी तक इस एनिमे को चेकआउट नहीं किया तो ये YouTube पर फ्रीली अवेलेबल है. एनिमे म्यूज एशिया पर जाकर तुम इसे देख सकते हो तो बिल्कुल जाकर देखो. और यार वापस आकर कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें एनिमे कैसा लगा. सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस. फिर से पिला के आ गए. बहुत मारा है बोसड़ी वालों ने. वहां भी मारा.